नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सीधी में हुए फरसा कांड को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। फरसा कांड में कमरजी थाना अंतर्गत गहरा निवासी संतोष कुशवाहा को आई गंभीर चोट। फरसा कांड में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार के लोगों का नाम। खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत ग्राम गहरा निवासी संतोष कुशवाहा के परिवार के साथ वहीं के निवासी महेश सिंह, आदर्श सिंह समेत कई लोगों ने मामूली विवाद पर फरसे से घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें संतोष कुशवाहा को गंभीर चोट आई है और अभी संतोष कुशवाहा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इसी पूरी घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। आज हम लोग कलेक्टर से मिलने आए थे ज्ञापन देने के लिए। कल सिहावल विधानसभा का एक गहरा गांव है, वहां पर एक कुशवाहा परिवार है, उसके ऊपर गांव के दबंगों ने फरसे से वार किया और वो बहुत बुरी स्थिति में घायल हुआ है। यहां सीधी लेके आया गया और अब उसको रीवा रेफर कर दिया गया है। दिनों दिन पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। उसी बात को शासन प्रशासन को हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी सीधी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया और ये कहा गया कि आप कार्यवाही करिए जिस तरह से कानून है, कानून के हिसाब से कार्यवाही होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि कानून कानून के हिसाब से ना चलकर राजनीतिज्ञों के कहने के आधार पर काम कर रहा है। पिछली घटना बुकरो में हुई, उसके पहले लहिया में हुई और आज ये तीसरी घटना है। तो इसी का प्रतिरोध करने के लिए हम लोग आज कलेक्टर से मिलने के लिए आए। क्या चाहते हैं, कैसे कार्यवाही हो? नहीं मतलब अपराधियों के मन में ये डर बने, उनको ये ना लगे कि हम नेता के पास पहुंच जाएंगे और नेता हमारी मदद कर देगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारा कानून कुछ कर नहीं पाएगा। प्रशासन को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जो गलत है। गहिरा वाले मामले में जो आरोपी पक्ष हैं, जो कहा जाता है जिला पंचायत सदस्य के, अब इसकी जानकारी हम लोग नहीं रखते हैं कि कौन किसका रिश्तेदार है और कौन कहाँ है। अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी दल का हो और कहीं का भी हो। हम मांग करते हैं वो किसी अध्यक्ष के भाई हो या किसी कोई रिश्तेदार हो, उन्होंने गलत किया है। शासन प्रशासन से ये मांग है कि कड़ी कार्यवाही करें। वो बच गया, उसकी तो जान ही चली जाती, थोड़ा सा और ऊपर लगता, गर्दन में अगर फरसे का बार होता तो सोचिए क्या पोजीशन, क्या स्थिति बन